करो पार मेरा भला जितना, मेरी बैलेंस शीट भला जी बनाए, सीखेगा ना, आप ही से सीखेगा। बैठ जा, ये इधर उधर की बातें कीर्तन के बाद कर लेंगे, अभी नहीं भरेंगे झोली, तो कीर्तन के बाद कहाँ भरेंगे। अभी आकर बैठे हैं हनुमान जी होशियारपुर में, मौका मिला है चरणों में बैठ जाओ, कल की रात यहाँ कैसे बैठेंगे। कल रात को आ जाना, कल खड़े होने को तो मिलेगा लेकिन बैठने को नहीं मिलेगा। तब सोचोगे कि रात काश बैठ ही जाते, मेमो करके देख लेना मेरी बात झूठी लगे तो। यही जगह होगी, आप भी यही होंगे, लेकिन यहाँ बैठेगा कोई नहीं। बोले तो ना, ऐसा चंगी जगह नहीं है, इतने तो दरिया बहना सी पता नहीं की हो, इतने तो पानी बगदा सी पता नहीं भूत प्रेत ना हो। एक बात बता दू, यहाँ पे अगर कुछ अनहोनी था भी तो आज मेहंदीपुर वाला बैठा है, यमराज में भी दम नहीं है इस पंडाल में कुछ आके लेकर चला जाए, यमराज में भी दम नहीं है। मैं तो कीर्तन में धरने झाड़ू
देखो, अपने आप को पहचानो क्या हो गए हो। और जब घर मांगा कि प्रभु घर देना, तेरे लिए आंगन बुहारूंगी, जब घर दे दिया तो ठेकेदारनी से लगवाती है, थोड़ा उधर भी मार दे, थोड़ा इधर भी मार दे। खुद सोचो, भगवान आएंगे और वो ठेकेदार दी बाहर झाड़ू लगा रही होगी, भगवान कहेंगे अंदर चलूं क्या, क्या लेके आएगी वो? नो, वो कहेगी अंदर तो बहुत कुछ है साहब, मैं हूं गरीब, तुम तो मेरे घर चलो साहब। माना बंगला बड़ा है मगर मुरली वाला भी बाहर खड़ा है साहब। राजस्थान का शास्त्र कहता है, उठो नारी, निकालो बुहारी, क्यों बाहर खड़े कृष्ण मुरारी। हर दरवाजे के आगे आता है, थोड़ी सी झाड़ू खुद निकालना पड़े। और ये मेरे भाई, दुकान का काउंटर बड़ा हो या छोटा मतलब नहीं है, काउंटर को खुद साफ किया करो, क्योंकि जो इंसान अपनी दुकान का काउंटर खुद साफ करता है उसकी तरक्की को भगवान भी रोक नहीं सकता साहब, वो तरक्की करे करेगा। अपने व्यापार के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर गाना, ओम मैं तो कीरी तनी मैं मेरी बत्ती कर दो, किस किस का लेने देने का हिसाब बालाजी करेंगे ताली बजाना। और लेने देने का हिसाब इकट्ठे हाथों में जाना, किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको कल से फोन मत करना, एक घोटा लेना चाहे प्लास्टिक का और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चढ़ा देना और बोलना हनुमान जी को पैसे नहीं देता तो उसे मार दे, नहीं वो मर गया तुम्हारे कहां से आएंगे, मार दे वो मर गया तो तुम्हारे भी दे जाएगा। किसी के भले करने के लिए सोचा करो, और लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जाना, इन्होंने भी तहलका पूरा मचाया हुआ है। अंग्रेजों ने बनाया तो इंस्टाग्राम अंग्रेजों के लिए था, लेकिन उन्होंने भगवे झंडे लगा 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 इंस्टाग्राम भी भगवाधारी कर दिया। अभी दिल्ली का एक परिवार खाटू चला गया, अब उसका बेटा भी गया 22 साल का। अब पापा तो सुबह 5 बजे नहा के चले गए खाटू मंदिर में, उसको पहले बेटा खड़ा हो चल दर्शन करने चले, बोला मैं थका हूं आप सो जाओ मैं 10 बजे जाऊंगा। पापा 9 बजे दर्शन करके आए, लड़के को बोले खड़ा हो चल दर्शन करके आ, बोला पापा ये बताओ ऊपर से गुलाबी था बीच में सफेद था नीचे से पीला था, बोला हाँ, बोला तू तो गया ही नहीं तुझे पता कैसे लगा, बोला मैं 5 बजे सो रहा था इंस्टाग्राम पे एक आंख खोली दर्शन करके फिर बंद करके सो गया। तो ये तो नौजवान है जो भगवान को भी सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, दोनों हाथ उठाकर गाना कानो पान मेरा वाला नीचे।